हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे सब और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें सब। इन दिनों बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपना थोड़ा ध्यान रखिए ज़्यादा। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 3। पहले हम दो लेक्चर ले चुके हैं, दो क्या मतलब, वैसे एक न्यूमेरिकल पोर्शन का भी ले चुके हैं, दिशा मैम ले चुकी हैं, तो मैं थ्योरी वाइज लेक्चर 3 का नाम दे रही हूँ। ये न्यूमेरिकल आपको साथ साथ प्रैक्टिस मैम कराती रहेंगी, तो अभी भी हम थ्योरी थोड़ी सी करेंगे एंड देन फिर एक दो दिन बाद आपको मैम न्यूमेरिकल्स कराएंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। तो ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, तो अभी थ्योरी वाइज लेक्चर 3 है ये हमारा। एक जल्दी से क्विक रिकैप लेती हूँ कि पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, और जिसका वो जिसको भी पढ़ना हो तो लेक्चर 1 एंड 2 जो है वो देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक होंगे, वो आप वहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि सब चीज़ें लिंक्ड हैं। आप एक चीज़ पढ़ते हो तो उससे पहले आपको केपी केसी सब पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के इम्पॉर्टेंट फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम लॉ एंड वो कैसे बनाया जाता है केसी और केसी की हेल्प से, एंड देन गैसियस मिक्सचर के लिए हम केसी की जगह केपी वर्ड यूज करेंगे। केसी जो है वो सॉल्यूशंस के लिए होता है एंड केपी वर्ड हम गैसियस मिक्सचर्स के लिए लेते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है केपी और केसी के बीच में, क्या वो सेम होते हैं या वेरिएशन आएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रिएक्शन, तो वो आप देखिएगा लेक्चर 2 में जा चुका है ये। और उसके बाद दिशा मैम ने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई थी, तो आज हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 6 to 12 क्लासेस के लिए लेके आया है, बहुत ही बढ़िया। जैसे प्लस का सब्सक्रिप्शन था, ऐसे ही उससे भी ज़्यादा बेटर फीचर्स वाला आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है अन अकेडमी का। इसमें जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले की, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के बारे में उनको पता नहीं चलता था कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको मेंटर नहीं हो पा रहा था, कोई मेंटर नहीं था। अब उन्हें पर्सनल अटेंशन मिलेगी यहाँ पर इस सब्सक्रिप्शन में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हो तो आपको पर्सनल मेंटर मिलेंगे, पेरेंट्स के साथ लगातार कांटेक्ट रहेगा, उनके साथ कनेक्शन रहेगा, आपकी स्टडीज़ को प्लान किया जाएगा, वीकली एंड मंथली प्लानर मिलेगा, एंड उसकी वजह से जब आप पढ़ोगे उनको देन उसमें डाउट्स आएंगे नेचुरली, तो डाउट्स को आपको टाइम टू टाइम वीकली ही कवर अप भी किया जाएगा। तो वीकली रिपोर्ट आपके पेरेंट्स को दे दी जाएगी ताकि उन्हें भी पता रहेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना रह गया आपका, या अभी किस टॉपिक में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो बाकी फीचर्स तो अलग जो प्लस के हैं वो तो रहेंगे ही, बट ये और ऐड हुआ है, बहुत अच्छा। ये सारे चार्जेस हैं मंथ वाइज, आप 6 मंथ से 7 इयर्स तक, जैसे 6 का बच्चा है तो 12 तक का एक साथ सब्सक्रिप्शन ले सकता है, और 7th वाला जो है 5-6 इयर्स का एक साथ ले ले तो 12 तक का काम हो जाएगा। तो ये चार्जेस हैं जो 6 से 12 क्लासेस के लिए अलग अलग, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग। और यदि आप डीएसएल क्लासेस का रेफरल कोड यूज़ करते हो, डीएसएल क्लासेस ही रेफरल कोड है हमारा, जो हमारी क्लासेस का नाम है वही हमारा रेफरल कोड है, तो आप वहां जाकर हमारा जब ये रेफरल कोड डालोगे तो आपको तुरंत 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। तो देर नहीं करनी है, तुरंत करिए। एंड प्लस एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस महीने अभी इस संडे से ही 1 नवंबर से ही क्या हुआ है, वहाँ स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उसमें भी अपने आप को एनरोल करो एंड बहुत फ़ायदा होने वाला है स्कॉलरशिप में। हर संडे उनके एग्ज़ाम्स होंगे एज अ रिविज़न टेस्ट, 40 से 60 क्वेश्चंस होंगे 6 to 12 के लिए है वो भी, और 5 लाख तक के प्राइजेज हैं। एंड यदि आप टॉप रैंकर्स होते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन भी अन अकेडमी का मिलेगा, तो देर नहीं करनी है, उसमें जल्दी से जाइए और अपने आप को एनरोल करिए। उसके लिंक भी मैं नीचे इसमें डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो एनरोल करो तुरंत और इस संडे से ही स्टार्ट कर दो यदि आपने अभी तक नहीं शुरू किया है टेस्ट सीरीज को।
चलो तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आज मैं आपको एप्लीकेशंस बताने वाली हूँ। केसी के बारे में पढ़ लिया, केसी और केपी के रिलेशन के बारे में पढ़ लिया, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम अप्लाई कैसे करेंगे। अभी तो बस सीखते चले जा रहे हो, आपको ये नहीं पता चल रहा कि हम केसी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन एप्लीकेशंस हैं मेजरली, बाकी तो बहुत सारी हैं, छोटी मोटी तो बहुत मिलेंगी, लेकिन मेजरली कैलकुलेशन पार्ट से हम तीन मेन एप्लीकेशंस इससे सीधा कनेक्शन एप्लीकेशंस का। पहला क्या है कि भाई हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हम केसी की यदि हमें वैल्यू पता हो, हम कैलकुलेट कर लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है या अभी स्टार्ट हुई है, कितना एक्सटेंट उसका हो चुका है कंप्लीट। दूसरा डायरेक्शन भी पता चल जाएगी रिएक्शन की, कि फॉरवर्ड ज़्यादा फोर्स लग रहा है रिएक्शन का, प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा फोर्स चल रहा है, या प्रोडक्ट ज़्यादा बन गए हैं तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन उसकी रिवर्स में ज़्यादा जा रही है। तो हम डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन भी बता सकते हैं। एंड तीसरा जो आपको मैम ने न्यूमेरिकल भी कराया होगा कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आप थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके हो उसे, और आज मैं एक दो क्वेश्चंस इसके और कराऊंगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस के, तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और तो फर्स्ट वन बाई वन एप्लीकेशंस लेते हैं एक एक करके, और उनकी एप्लीकेशन से मैं आपको बताऊंगी इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ये बेटा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। 12th कंपटीशन लेवल सबके लिए चैप्टर की बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है। अभी मैंने कहा कि पहली एप्लीकेशन है कि हम केसी और केपी की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो कितनी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, पहले केसी और केपी का एक्सप्रेशन बनाएंगे, जो हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या प्रेशर अपॉन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट होता है। वी नो दैट वेरी वेल, हमने सीख लिया है ये बनाना। तो इस फॉर्मूले से यदि वैल्यूज दी होंगी कंसंट्रेशन एंड प्रेशर की, तो हमारे पास केसी और केपी आ जाएगा। हम कैलकुलेट करेंगे कि उस रिएक्शन के लिए केसी और केपी क्या है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इससे पता कैसे चलेगा, केसी और केपी की कैलकुलेशन कुछ आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, या प्रोडक्ट ज़्यादा बने हैं, या रिएक्टेंट्स हैं ज़्यादा बन रहे हैं। तो बेटा देखो, उप केसी और केपी में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी है ऊपर, ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी है नीचे। यदि केसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मेजर ज़्यादा क्वांटिटी है पॉजिटिव में, तो इट मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे रिएक्शन मिक्सचर में, और रिएक्टेंट जो हैं वो कम होंगे। ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ही क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्शन जो प्रोडक्ट ज़्यादा बना चुकी है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो कम रह गई है, तभी पॉजिटिव आएगी। तो पहले केस में यदि केसी की वैल्यू 10^3 से ज़्यादा आती है, मीन्स नियरली, ये कोई एक्यूरेट वैसे नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यदि 10^3 से ज़्यादा आ रही है, तो इट मीन्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन चुके हैं, तो एक तरह से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाली है, नियर टू कंप्लीट है ये, ठीक है। अब दूसरे केस उठाते हैं, दूसरे केस में यदि प्रोडक्ट की वैल्यू कम रह गई है, अभी कम है, और रिएक्टेंट्स हैं अभी ज़्यादा कंसंट्रेशन, तो केसी या केपी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, माइनस में आएगी, बहुत कम आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो जो एक अप्रॉक्सीमेशन दिया है कि -3 से केसी की वैल्यू यदि कम आती है, एक रेंज दी है कि इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज लेसर देन 10^-3, तो ये शो हो रहा है कि रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, डोमिनेट कर रहे हैं अभी, और प्रोडक्ट रह अभी कम बने हैं, दैट मीन्स अभी रिएक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं प्रोसीड की है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंसंट्रेशन शो नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है रिएक्शन, या थोड़ी बहुत चली है, और अभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो एक अप्रॉक्सीमेशन हमें आइडिया मिल जाएगा केसी की वैल्यू से कि कौन सी कंडीशंस है इसमें।
अब यदि दो इसके बीच में है वैल्यू टेन एस पावर माइनस थ्री से लेकर टेन एस पावर थ्री की रेंज में यदि केसी की वैल्यू आती है तो दैट मीन्स वो लगभग दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं और हम एक तरह से इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैंने इसे एरो से शो किया है, एक नंबर लाइन लेकर शो किया है कि केसी की वैल्यू यदि वन है, वन के अप्रॉक्स ले लिए, सेंटर पॉइंट ले लिया है केसी वन, तो दैट मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल अमाउंट में है, तभी वन आएगा ना। एंड यदि इसकी वैल्यू टेन एस पावर थ्री या उससे ज़्यादा है तो मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा बने हुए हैं, तो रिएक्शन जो है वो नियर टू कंप्लीट होने वाली है। और यदि रिएक्टेंट्स कम है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स कम हैं, तो इसकी वैल्यू लगभग टेन एस पावर माइनस थ्री या उससे कम आएगी, तो दैट मीन्स अभी रिएक्शन हार्डली शुरू हुई है। तो एक तरह से आप केसी की वैल्यू निकाल कर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि रिएक्शन जो हमने मिक्सचर हमने एनालाइज किया है उस टाइम जब हमें दिया गया, हमने एनालाइज किया उस मिक्सचर एनालिसिस किया उसका, तो भाई उस मिक्सचर की कंडीशन जो है वो क्या थी, मिक्सचर किस पॉइंट पर था, लेस देन, मोर देन या फिर इक्विलिब्रियम पर अचीव हो चुकी है रिएक्शन। जैसे देखिए, एक मैंने बहुत सिंपल सा वन मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि यदि एक रिएक्शन है ए प्लस बी एंड चेंजिंग इंटू क्यू और इसका केसी जो है वो 1.5 इंटू टेन एस पावर माइनस सेवन है, ठीक है, दिया हुआ है, ये वन मार्क्स में ऐसे आएगा, नहीं तो आपको केसी की वैल्यू निकालने के लिए मतलब कैलकुलेशन में आएगा तो वो टू या थ्री मार्क्स में जाएगा क्वेश्चन। अब केसी की वैल्यू यहाँ पर हमने बस क्या करना है, चेक करना है कि रिएक्शन जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, वो मतलब नियर टू कंप्लीट है या स्टार्ट हुई है या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। तो केसी हमने क्या किया, बस चेक करना है कि वो कितना है, माइनस थ्री से कम है, ज़्यादा है या क्या है। तो यहाँ क्योंकि वैल्यू 1.5 टेन एस पावर माइनस सेवन है जो कि टेन एस पावर माइनस थ्री से काफ़ी कम है, दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो अभी हार्डली प्रोसीड हुई है, मतलब बहुत कम अभी प्रोडक्ट बने हैं, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेशन में, तो अभी बस जस्ट स्टार्ट हुई है या थोड़ा बहुत ही आगे चली है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन वन मार्क्स में आ सकता है, और यदि न्यूमेरिकल थ्री मार्क्स का होगा तो अभी हम न्यूमेरिकल भी एक देखेंगे इसके बेस पर। सेकंड एप्लीकेशन बता दूं आपको जल्दी से कि रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी बता सकते हैं रिएक्शन की, वो फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड फोर्स लगेगा या फिर वो इक्विलिब्रियम अटेन करके स्टेबल हो गई है। लेकिन उसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्यू सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यू सी को हम केसी से कंपेयर करेंगे। अब आप कहोगे क्यू सी एक और वैल्यू लेके आ गई मैम, कि क्यू सी एक और हमारे लिए जान को आ गया कि ये क्या है क्यू सी। क्यू सी जो है वो रिएक्शन कंटेंट है जिसमें, जैसे आपको मैंने रिएक्शन दे दी है कि ये मिक्सचर इसका मिक्सचर एनालिसिस करो और बताओ मुझे रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है या नहीं। तो आप क्या करोगे उसके लिए, सेम जैसे केसी का एक्सप्रेशन बनाते हो ऐसे क्यू सी का एक्सप्रेशन बनाओगे, बट आपको नहीं पता कि वो क्यू सी जो है वो जो रिएक्शन कॉन्टेंट है वो इक्विलिब्रियम पर है या पहले है या ज़्यादा है बाद में है। तो हम उसे केसी नहीं कह सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है या नहीं। तो हमने उसको एक टर्म दिया है, कंपैरिजन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड द क्यूसी। और एक्सप्रेशन बनाने का मेथड वही है जैसे हम केसी के लिए बनाते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हो सी पावर सी इस रिएक्शन के लिए, डी पावर डी ये हमने अभी बनाया था। तो हमने केसी क्यों नहीं कहा इसे, क्योंकि हमें नहीं दिया गया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है या नहीं, अननोन है, तो हमने क्यूसी कहा है इसे। अब हमें यदि वैल्यूज दी होंगी कि भाई एनालिसिस करो रिएक्शन का और बताओ कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर चुकी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन वैल्यूज जो दी होंगी उस टाइम के लिए जो मिक्सचर एनालिसिस की होगी उनकी वैल्यूज हम यहाँ पर प्रोडक्ट की एंड देन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करके हम कोफिशिएंट निकालेंगे ये क्यू सी, एंड क्यू सी की वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे आगे कंपेयर करेंगे केसी से। ऑब्वियसली उसके लिए या तो आपको केसी पहले वैल्यूज के लिए दिया होगा या फिर केसी की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई होगी कि ये केसी है ये पकड़ो
और QC बताओ भाई, जो रिएक्शन है वो हमारी इक्विलिब्रियम पर है या उसकी डायरेक्शन के। तो या तो KC आपको पार्ट वाइज होगा, तो KC आपने पहले निकाला होगा एंड, या फिर आपको डायरेक्ट KC की वैल्यू दी होगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द क्वेश्चन, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो। तो पहली कंडीशन के QC की जो अराइज होगी वो क्या है, कि यदि QC की वैल्यू जो हमें गिवन KC है या हमने जो निकाला है KC, उससे यदि इसकी वैल्यू आती है ज़्यादा, ठीक है, QC की वैल्यू क्या आ रही है, KC से ज़्यादा आ रही है, तो दैट मीन रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब कि रिवर्स होगी रिएक्शन, प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होने की कोशिश कर रहे होंगे, रिएक्शन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे, फोर्स जो रहेगा रिएक्शन का वो बैकवर्ड रहेगा इफ़ द QC इज मोर देन KC, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्रॉस हो चुका है एंड रिएक्शन जो है वो काफ़ी आगे जा चुकी है इक्विलिब्रियम से। एंड इसका रिवर्स, यदि QC की वैल्यू KC से कम आती है, देन इन दैट केस आप क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन में, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी, ज़्यादा फास्ट चलेगी, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बनने हैं और इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है, अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ है रिएक्शन में, तो हमें स्टार्टिंग का मिक्सचर एनालिसिस दिया होगा, इट मीन्स और इक्विलिब्रियम अभी अटेन नहीं हुआ है। और यदि दोनों की वैल्यू आ जाए बराबर, QC इज इक्वल टू KC, तो आप समझ ही जाएंगे बहुत इजी है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मेंटेन हो गया है, आपको इक्विलिब्रियम की ही एनालिसिस के लिए रिएक्शन का मिक्सचर दिया गया था, ठीक है, समझ आ गया। तो ये तीन दो एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला कि आपको क्या करना है, एक तो केसी से आप रिएक्शन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो कहाँ तक, कितनी एक्सटेंट तक कंप्लीट हो गई है, और दूसरा QC निकाल कर आप KC से कंपेयर करके डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, फोर्स भी बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन तो आपको दिशा मैम न्यूमेरिकल में करा चुकी हैं और अभी और प्रैक्टिस कराएंगी वो आपको न्यूमेरिकल की, कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, हम रिएक्शन की जो कंसंट्रेशंस हैं वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो आगे भी देखते रहोगे उन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं आपको एक KC और QC को कंपेयर करके एक क्वेश्चन करा देती हूँ। एक ये रिएक्शन है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की, NCERT का ही क्वेश्चन लिया है मैंने टेक्स्ट बुक का आपके, और ये एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन है, वाटर बन रहा है और इसमें एस्टर बन रहा है। KC इसमें दिया हुआ है रिएक्शन का 3.92, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो QC एक्सप्रेशन बनाना है। QC का एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट है हमारे एस्टर एंड वाटर, एंड यदि इनके कोफिशियंट 1 नहीं होते तो यहाँ हम पावर भी लगाते, लेकिन क्योंकि दोनों नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो हमें यहाँ पर पावर नहीं लगानी है। और नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट है हमारा इथेनोइक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, वो हमने नीचे कंसंट्रेशन इसकी लिख दी। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट मार्क्स 1 मार्क्स का, कि एक्सप्रेशन बनाइए QC का, इजी है ना। अब क्या करना है, दूसरे पार्ट को पढ़िए अच्छे से। यदि इथेनॉल की कंसंट्रेशन, मतलब मोल्स दी हों, कंसंट्रेशन नहीं दी, मोल दिए हैं 0.5 मोल, और एसिटिक एसिड के मोल्स दिए हैं 1.0 मोल्स, और 293 टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, और इथाइल एसिटेट जो यहाँ बना उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें मिले कुछ टाइम के बाद वो है 0.214 मोल्स, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन के जो कंसंट्रेशन दी हुई हैं इथेनॉल एसिटिक एसिड की स्टार्टिंग की और इथाइल एसिटेट की आफ्टर सम टाइम, तो उससे हम QC कैसे निकालेंगे, एंड ये बताना है कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी हैज इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। हमने रिएक्शन उठाई इथेनोइक एसिड अल्कोहल एंड एस्टर एंड वाटर की, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिखी इथेनोइक एसिड की 1 मोल है, और सबके लिए हमने V मोल ले लिया है क्योंकि सब एक ही कंटेनर में होंगे तो सबका वॉल्यूम सेम होगा,
तो वो कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कैंसिल हो गया। तो यू कैन टेक एनी फिक्स क्वांटिटी, वी मोल ले लिया जैसे मैंने, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम से क्या बन गया हमारे पास, कंसंट्रेशन आ गई। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इथेनोइक एसिड की है 1 मोल अपॉन उसके वॉल्यूम, एंड इथेनॉल की भी मैंने ऐसे लिख दी। अब क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है रिएक्शन, अभी इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी है, तो अभी एस्टर और वाटर अभी बने नहीं है, तो उन वो वैल्यूज हैं हमारी इनिशियली 0। आफ्टर सम टाइम जो इथेनॉइक ये एस्टर है, इथाइल एसिटेट, वो हमें दिया है कि 0.214 बन गया है। अब क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो जितना इथेन ये एस्टर बना होगा उतना ही वाटर भी बना होगा। तो 0.214 यदि इथेन ये एस्टर बना है इथाइल एसिटेट, तो वाटर की भी कंसंट्रेशन सेम होगी क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। तो यहाँ पर हमने दोनों की कंसंट्रेशन लिख दी वी मोल में, वी वॉल्यूम में। एंड ये इस टाइम कुछ टाइम के बाद जब ये कंसंट्रेशन दी गई हैं, उस टाइम इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल कितना रह गए वहां पर, तो 1 मोल तो पहले ही था इनिशियल, उसमें से जितना बन गया इथेनॉइक एसिड वो हमने माइनस कर दिया, तो 1 माइनस 0.214। ऐसे ही 0.5 इथेनॉल है जो मतलब कुछ टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, तो 0.214 उसमें से माइनस कर दिया। एंड देन फिर हमने क्यूसी निकाल लिया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख के। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम सबका सेम है, एक ही कंटेनर में है सारा मिक्सचर, तो हमने सबके वॉल्यूम कैंसिल कर दिए और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स रह गए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, एंड हमने निकाल लिया क्यूसी। क्यूसी आ गया 0.2037, ठीक है। और क्वेश्चन में आपने नोट किया हो तो यहाँ केसी दिया हुआ था 3.92, तो हमने कंपेयर किया क्यूसी कम है या ज्यादा है, तो क्यूसी इज लेसर देन केसी। और पहली कंडीशन बताई थी आपको कि यदि क्यूसी की वैल्यू कम हो केसी से, तो उसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम, हमसे पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है या नहीं, तो इट मीन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मिक्सचर जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी के बराबर नहीं आ रही, राइट। तो ये मेथड आप अप्लाई करेंगे, क्यूसी और केसी के एप्लीकेशन है ये, कि कैसे डायरेक्शन और हम एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं अगले टॉपिक के लिए। आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। कल क्लास होगी रेगुलर 7 नवंबर को, एंड फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, और अपना ध्यान रखिए, ठीक है।